अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोर व्हील्स मॉडिफिकेशन। आज एक नई वीडियो के साथ एक नई गाड़ी का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदाब साहब, इनकी गाड़ी का इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं गाड़ी का मेक मॉडल वेरियंट कौन सा है और कौन सी गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम आदाब साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए कैसे हैं? अभी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये बताएं आपके जी जो आपने गाड़ी है इसका मेक मॉडल वेरियंट कौन सा है? ये है सुजुकी कल्टस, ठीक है, 2013 मॉडल। सुजुकी कल्टस 2013 मॉडल, VXR है, ठीक है। तो ये कब आपने ली थी? ये मुझे कोई 8-9 महीने हो गए हैं, मैंने 8-9 महीने पहले ली थी। ठीक है, और ये हमारे व्यूअर्स को बताएंगे किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये गाड़ी मतलब कि मिल जाती है, किस प्राइस ब्रैकेट में आपने ये गाड़ी ली थी? ये मिल जाती है 14-15-16 के अंदर, मैंने 14 की ली थी साल पहले, साल होने वाला हो गया, एक साल होने वाला, 14 लाख रुपये की ली थी आपने, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इस गाड़ी के अंदर मतलब कि आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई इसमें, बिल्कुल सिंपल रखी हुई गाड़ी, इसकी क्या वजह? असल में ये सिर्फ फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी रखी हुई है, ठीक है, आने जाने के लिए, तो इस वजह से हमने सिर्फ बिल्कुल स्टॉक रखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जो है गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज का दे रही है, इसकी क्या फ्यूल एवरेज है? इसकी फ्यूल एवरेज सिटी के अंदर, सिटी के अंदर अगर इसकी फ्यूल एवरेज देखें तो फिर ये देती है 14-15, ठीक है, और अगर लॉन्ग में आप इसको ले जाओ तो ये 17-18 दे देती है। 17-18 लॉन्ग पे दे रही है आपको फ्यूल एवरेज, यस, ठीक है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं सोचा आपने कुछ भी, कोई मॉडिफाई करवाने के लिए, कोई इसकी लाइट्स वगैरह आपको काफी मतलब के मॉडिफिकेशन, बम्पर वगैरह भी इसका काफी अच्छा आया हुआ आजकल मार्केट में? मैंने बस इसका ये आर्म रेस्ट लगवाया, इसमें फॉग लैंप्स और ये वो का आर्म रेस्ट आपने लगवाया, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट लेके लगवाया था आपने? पहले तो मेरे ख्याल इसमें आता नहीं है वैसे, हां आफ्टर मार्केट से लेके मैंने ये लगवाया, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या जबकि गाड़ी लिया है काम वगैरह तो नहीं, क्या काम करवाया आपने गाड़ी में, कुछ करवाया? नहीं, इतना कोई खास काम नहीं करवाया गाड़ी में, स्टॉक गाड़ी रखी हुई है और कोई कुछ मसला हो गया तो ठीक करवाया, बस यही हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इंजन ऑयल वगैरह गाड़ी का टाइम पे चेंज होता रहे तो गाड़ी जो है वो फिट रहती है। और इसके अलावा जो है गाड़ी के अंदर जो है लाइटें, मैं वैसे ही व्यूअर्स को बता दूं कि आपको बता दूं कि गाड़ी जो है ना ये EFI इंजन के अंदर आई थी, VXR 2013 मॉडल है और ये तो आई थिंक 2018 के अंदर गाड़ी ना ये EFI इंजन शुरू हो गया था, ऐसा ही है ना? और इसके अलावा जो है जिस पुरानी वाली मॉडल की थी उसमें से लाइट्स वगैरह चेंज थी, इसमें ज़रा क्रिस्टल लाइट्स लगी हुई हैं। और इसके अलावा जो है बाकी गाड़ी के अंदर आप फैमिली यूज़ में हैं तो गाड़ी का इस गाड़ी के अंदर आपको पता कि डिग्गी वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, तो वो कहीं जाना हुआ आपने लॉन्ग पे तो कैसे करते हैं मैनेज फिर? ये या जाते ही नहीं है लेके? ये वाली गाड़ी हम कम ही ज़्यादा लेके जाते हैं, हमने दूसरी गाड़ी रखी, इसको हम ज़्यादा सिटी के अंदर फैमिली वगैरह यूज़ के लिए रखा हुआ है। अच्छा, फैमिली यूज़ के लिए रखा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है अपना आपने जो गाड़ी ली है ये आपने बताया जैसे कि 14 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली है जिससे हम मार्केट में निकले थे लेने के लिए गाड़ी जी। तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको और कोई गाड़ी नहीं मिली थी मतलब कि कोई और, आपने कोई सोची होगी गाड़ी अगर मुझे कल्टस नहीं मिलती तो मैं इसके अलावा कोई और गाड़ी मतलब के सोचूंगा वो कुछ और ले लूंगा? असल में मैं इस गाड़ी के लिए इसलिए गया था क्योंकि मुझे इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है, और इस प्राइस के अंदर मैं इस गाड़ी के साथ जाऊंगा क्योंकि बाकी जो नई गाड़ियां उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है और उनकी फ्यूल एवरेज भी इतनी अच्छी नहीं है कुछ खास, ठीक है। वैसे मैं देख रहा हूँ गाड़ी आपकी माशाल्लाह काफी स्मूथ चल रही है और ये इसमें पावर स्टीयरिंग भी आपने खुद करवाया था, ये इसमें मेरा कंपनी फिटेड नहीं आता था इस गाड़ी में, मॉडल में नहीं आया था, ये खुद ही करवाया, ये खुद ही करवाया आपने, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है इस गाड़ी के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इससे पुराने वो इसमें एक मॉडल ऐसा भी आया था जो था जिसके पावर विंडोज थे और पावर मिरर थे, ठीक है, वो कंपनी फिटेड आए थे और उसमें पावर स्टीयरिंग भी जो है ना वो कंपनी फिटेड लगा हुआ था, ठीक है। और पहले तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है ज़्यादातर वो CNG के ऊपर यूज़ किया, पाकिस्तान में CNG अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से ज़्यादातर तो पेट्रोल के ऊपर ही अब जो है ना गाड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। और बाकी AC इसका मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही कूलिंग कर रहा, मैं स्लो कर सकता हूँ थोड़ा अगर बुरा ना माने तो, ठीक है। और इसकी हर चीज़ बिल्कुल ठीक पड़ी है माशाल्लाह से, AC भी बिल्कुल सही काम करता है, हर चीज़ बिल्कुल सही पड़ी है, ठीक है। अच्छा आदाब साहब, इसके अलावा जो है आपका कोई फ्यूचर में प्लान है गाड़ी मतलब कि सेल करके कोई आप इसके अलावा किसी और गाड़ी के ऊपर जाना चाहेंगे तो वो कौन सी गाड़ी को आप देखते हैं कि आप इन फ्यूचर आप वो गाड़ी खरीदेंगे? ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है क्योंकि जो इसका नया मॉडल है वो 35-40 लाख का है, ठीक है, और उसके अलावा मैं सिर्फ इसको सिटी में यूज करता हूँ,
ठीक तो है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल सही चल रही है, कंफर्टेबल है और हमारे सही काम आ रही है, तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इसको चेंज करके भी और, क्योंकि बाकी उसके लिए तो हमने दूसरी गाड़ी हमारे पास रिबर्थ भी पड़ी है एक, और इसके अलावा एक प्रोपोज गाड़ी हमारे पास, ठीक है, तो इसलिए मेरा ऐसा कोई इसका सेल करने का प्लान नहीं है। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ गाड़ी बाहर से भी आपने काफी साफ रखी हुई है। तो इसी के साथ व्यूअर्स वीडियो का जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आप सब आप भी क्या दें दफा व्यूअर्स को, ताकि जो है ना वो वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन का क्लिक भी कर दें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को क्लिक करें, और उसके अलावा ताकि उनकी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, और कमेंट भी करें और शेयर भी करें।